सिंगरौली में दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए प्रशासन ने मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई गई। प्रशासन ने मिठाई वालों को साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए हैं। दिवाली पर्व के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय की संभावना बनी रहती है। नगरीय क्षेत्र में मिलावट खाद्य पदार्थों के विक्रय की रोकथाम हेतु कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा दल गठित कर मिष्ठान दुकानों डेयरी फार्मों की औचक जांच कर मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नगरीय क्षेत्र रमेश कोल, फूड सेफ्टी ऑफिसर मुकुंद झारिया, प्रभारी अधिकारी नवजीवन बिहार संतोष तिवारी के अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने मिष्ठान दुकानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों और मिठाई की जांच की और सैंपल लिए। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर साफ सफाई रखें। आने वाले दीपावली के त्योहार को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में और आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में तहसीलदार के नेतृत्व में हम लोग पूरी नगर निगम की टीम और फूड सेफ्टी ऑफिसर मुकुंद झारिया जी, उन सब के साथ में हम लोगों ने बैठन में कई प्रतिष्ठानों बीकानेर स्वीट्स, राजस्थान स्वीट्स और बंसी स्वीट्स में छापामार कार्रवाई और उनकी जहां मिठाई का निर्माण होता है वहां हम लोग उसकी साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता पर उसकी पूरी जांच किए और उसका सैंपलिंग तीनों दुकानों में अलग अलग ली गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।